दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर। आप लोग स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। आज दोस्तों थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो रही है, जुकाम से हो रहा, छींकें आने लगी हैं सुबह से और नींद भी बहुत चढ़ी हुई है, सो नहीं पाया हूँ बिल्कुल भी। दो तीन दिन हो गए जगते जगते, रात को कहीं गाँव में के कहीं शादी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और फिर सुबह आज जगना पड़ा जल्दी 5 बजे, क्योंकि आज फैक्ट्री आना था। सो फैक्ट्री पे आकर बैठा हूँ, काम क्लियर कर दिया फैक्ट्री में, अंदर फैक्ट्री का काम पूरा क्लियर कर दिया है और बाहर आ गया हूँ। बाहर निकल के बैठा हूँ गाड़ी में, दोस्त आ रहा है टमटम, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या करता है। अभी तो बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही है, नींद आ रही है और छींकें आने लगी, जुकाम बुरा है, तो ये जो बहुत बुरा सा लग रहा है। मैं आप लोगों को अपनी फैक्ट्री दिखा दूँ थोड़ी सी। सूर्य कंपनी है, इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट है अपना मैन पावर का, कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर, इसमें अपन मैन पावर देते हैं लेबर, इसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट है इस चीज़ का। अभी तो मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं अंदर जाने का, थक चुका हूँ, किसी से अंदर का टूर शुरू कराऊँगा और देखो टूर जरूर कराऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से बल्ब बनते हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनती हैं, स्टेला बनता है और ट्यूब लाइट्स, लैंप्स और जो अपनी एलईडी बल्ब वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पर, सब चीज़ें इस प्लांट में, इसमें 7-8 प्लांट हैं और सूर्य ऑक्सीजन का प्लांट भी है। मैं बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, अभी कोरोना काल में जो सेकंड लेयर आई थी कोरोना की, उस वक्त ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोगों ने सूर्य से ऑक्सीजन सप्लाई किया था हर हॉस्पिटल में, मतलब काफ़ी सिलेंडर सप्लाई करते पर डे के 200-300-400 जितने भी आते, 500-600 ऐसे करके सिलेंडर हम सप्लाई देते थे पूरे शहर में, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में तीनों जगह, और जहाँ कहीं कोई ज़्यादा इमरजेंसी कोई याद आता तो उसको भी देते थे। उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगाई थी हमारी कंपनी ने, बहुत अच्छा काम किया था सूर्य लिमिटेड ने, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया था माननीय श्री राष्ट्रपति जी ने, लास्ट ईयर ही किया था, 1 साल हो गई, जो हमारे चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल, उनको माननीय राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था पद्मश्री अवार्ड से, तो वो बड़े गौरव की बात है हम लोगों के लिए और बहुत ही प्राउड फील होता है कि चलिए हमारी कंपनी ने अच्छा काम किया। और देखो दोस्तों, जो है मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी मदद कर सको यार उतनी मदद करो यार, किसी की कोई भी व्यक्ति हो उसकी मदद अगर आपसे बन पड़ती है तो करना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं, आप एप्लीकेबल है उसकी हेल्प करने के लिए, तो आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और ऊपर बैठा है ना वो ईश्वर, वो कहीं ना कहीं से आपको उस मदद का, अगर आप 1 रुपये खर्च करो तो आपको उसके 100-200 हज़ार वो देगा, एक श्योरिटी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो किसी भी तरीके, मतलब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। इसलिए कभी भी, और मैं तो ये बोलता हूँ यार, परिणाम का ना सोचो यार, आप तो शुद्ध अच्छे मन से भाव से दूसरे की अगर मदद करो तो आप लोग करते भी होंगे वैसे, वो करके देखना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैंने एक एग्जांपल अभी आपको दिया हमारे चेयरमैन साहब का, तो वो ही बोल रहा हूँ मैं दोस्तों के मदद करो यार, अच्छा लगता है। और आज का कोई प्लान नहीं है, आज कहीं जा नहीं रहे हैं, आज का कुछ पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, ठीक है। अब
पता चलता है चलेगा धीरे धीरे, अभी मैं घर पहुंचूंगा। हाँ आज टमटम का ही वो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, तो उसी में वो बुलाने की कह रहा है कि आ जा यार, वहाँ चलेंगे, जहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। तो देखता हूँ कि उसके साथ, वो भी बोल रहा है कि आ जा 8 साढ़े 8 बजे तक। तो अभी टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 7:45 हो गए हैं। तो देखता हूँ 8 बजे 8:30 बजे तक बोल रहा है कि तू नहा धोकर आ जा, गर्मी पड़ी पड़ रही है यार दोस्तों। तो मतलब बोला कि आ जा, तो फिर मैंने कहा चल देखता हूँ आज। वो लोग पता है हर नुक्कड़ पे खड़े होके मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं अपने कैंडिडेट का, जो उसकी बुआ जी खड़ी हुई हैं उनका एडवर्टाइजमेंट आज कैंपेन जो चल रहा है। तो उसमें उसके पापा ने वैसे बोला, टमटम के पापा ने, सुनील अंकल ने, कि बेटा तुम क्या नाम से माइक पर बोल लोगे ना, ये ऐसे बोलना होता है जैसे आप मेले वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ बोलते होंगे देवियों सज्जनों आपके अपने शहर में, ऐसे करके जो बोलते हैं मतलब एंकरिंग करनी है, कुल मिला के जो है सूत्रधार बनना है। तो मैंने कहा मैंने कर लूँ अंकल जी, मैं तो मैंने किया रखा है पहले भी, बहुत कई बार किया है क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक किए हैं मैंने काफ़ी, तो उनसे मुझे हैबिट है। और फिर आज जाकर देखता हूँ, अगर गया तो वहाँ का क्लिपिंग जरूर लूँगा, वीडियो बनाऊँगा और फिर आप लोगों को जरूर दिखाऊँगा दोस्तों। अभी तो बस अभी टमटम नहीं आ पाया, बहुत टाइम हो गया, अब आ रही है मुझे उस पर गुस्सा। अब मैं उसकी बत्ती बजाने वाला हूँ, उसको फ़ोन लगाने वाला हूँ, लगाता हूँ फ़ोन उसको, ठीक है। अभी मिलते हैं दोस्तों फिर, है ना। अभी तक दोस्तों ये लोग आए नहीं हैं और मुझे इंतज़ार करते करते समथिंग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं। रियल फ़ोन लगाया, बोले आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहे मुझे कहीं भी के कहाँ हैं। और एक का फ़ोन आया, वो तो जो बोल रहा है कि अभी 20-25 मिनट और लगेंगे। और ये कभी उसे बोल रहा है बस मैं आ गया, तेरी कसम आ गया, 1 मिनट 2 मिनट, वो अभी तक आ नहीं पाया। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मुझे वैसे नींद आ रही है, मैं तो गाड़ी में लम्बा हो लिया, वहीं सो रहा हूँ आराम से। मैं देख रहा हूँ कि आ जाए तो पता चले। आ गया आ गया आ गया आ गया, खवाड़ी आ गया आ गया, खवाड़ी आ गया भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है अभी तो, ये स्टैंड उठने का सबका बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फेंक दे भाई, मुंह पे लिखा लेंगे मोड़ी मेरा ताज दादी गाड़ी ने, ये नया स्टैंड है तो मुंह पे लिखा लेंगे, बच्चे नया है तो। हाँ उसको कोई नहीं दिखा रहा, धर्मशाला को मर कटाया वो पूरी गाड़ी, इसकी कोई नहीं ले जा रहा है, छुतिया बना। तो आ गया है दोस्तों, और दूसरे का देखते कब तक आता है, स्टैंड टूट गया इसका गाड़ी का।